हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विशाल और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप एमएस वर्ड यूज़ करते हैं और आपको पता नहीं कि एमएस वर्ड में पेज को कैसे डिलीट किया जाता है, तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एमएस वर्ड में पेज को कैसे डिलीट करेंगे। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको तीन तरीके बताने वाला हूँ एमएस वर्ड में पेज को डिलीट करने के, और उसके साथ साथ मैं एक आपको शॉर्टकट बताऊँगा जिसकी मदद से आप पेज को डिलीट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे तीन पेज बनाए हुए हैं। फर्स्ट पेज हमारा ये है और सेकंड पेज हमारा यहाँ पे नीचे है और इसके नीचे है मेरा थर्ड पेज, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आप देख लीजिए यहाँ पे तीन पेजेस हैं, ठीक है। अब मैं इसे वन बाई वन डिलीट करूँगा और आपको बताऊँगा कि आप एम एस वर्ड में तीन तरीके से पेज को कैसे डिलीट करेंगे, ठीक है। तो गाइस पेज को डिलीट करने का जो पहला तरीका है वो है ये कि सबसे पहले आपको जिस पेज को डिलीट करना है आपको उस पेज पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मुझे ये सेकंड वाला पेज डिलीट करना है, यहाँ पे ये वाला पेज मुझे डिलीट करना है, ठीक है। तो मैं इस पेज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं बैक स्पेस दबाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैक स्पेस दबाता हूँ। तो गाइस देखिए हम वापस से फर्स्ट पेज पे आ चुके हैं और हमारा जो सेकंड पेज है वो यहाँ पे डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास जो है यहाँ पे दो पेजेस बचे हैं, पहला ये है और सेकेंड पेज ये है, ठीक है। सेकंड पेज हमारा ये है, उसके नीचे कोई पेज नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको दूसरा तरीका बताता हूँ पेज को डिलीट करने का। सबसे पहले आपको जिस पेज को डिलीट करना है आपको उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और उसके बाद आपको यहाँ पे पैराग्राफ का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो गाइस मैंने जैसे पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक किया उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे पेज ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल गया, ठीक है। अब हमें पेज को डिलीट करना है तो सिंपली हम इसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ये हम यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये हमने कर दिया डिलीट। तो गाइस देखिए हमारा जो पेज है वो डिलीट हो चुका है और ये हमारे पास पहला पेज ही बचा है, ठीक है। इसके नीचे कोई भी पेज नहीं है, आप देख सकते हैं ये सिंगल पेज है, ठीक है। पेज डिलीट करने के बाद आपको सिंपली इस वाले पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद ये जो आइकन है वो यहाँ से गायब हो जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक और तरीका बताता हूँ जो कि लास्ट तरीका है। पहले मैं यहाँ पे एक पेज और इंसर्ट कर लेता हूँ नीचे, ठीक है। तो गाइस मैंने यहाँ पे तीन पेज बना लिए हैं, फर्स्ट पेज हमारा ये है और सेकंड पेज हमारा ये है और थर्ड पेज हमारा ये है, ठीक है। इसके नीचे कोई भी पेज नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे डिलीट करेंगे, ठीक है। तीसरा तरीका है गाइस हमारा पेज को डिलीट करने का, आपको इसके लिए व्यू पे आना होगा, व्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे नेविगेशन पेन पे आना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे देख रहा होगा नेविगेशन का ऑप्शन ओपन हो चुका है, उसके बाद आपको यहाँ पे हेडिंग्स पेज का ऑप्शन देख रहा होगा, ठीक है। सेकेंड में पेजेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे शो कर देगा आपके एम एस वर्ड में कितने पेज ओपन है, ठीक है। आपको इसमें से कोई सा भी पेज डिलीट करना है, सिंपली आपको उस पेज पे क्लिक करना है। तो गाइस मैंने दूसरे पेज पे क्लिक कर दिया है और मेरा जो कर्सर है वो सेकंड पेज पे यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। अब मुझे इस पेज को डिलीट करने के लिए सिंपली मुझे बैक स्पेस दबाना है, तो मैं यहाँ पे बैक स्पेस को दबा देता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ से जो मेरा पेज है वो डिलीट हो चुका है। अब मेरे पास दो पेजेस बचे हैं जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, फर्स्ट पेज और सेकंड पेज, ठीक है। तो अभी हमारे पास दो पेज हैं। तो इस तरीके से भी गाइस आप अपने पेज को डिलीट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पेज भी डिलीट करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, उसके बाद बैक स्पेस दबा दूंगा, ठीक है। ये मैंने बैक स्पेस दबा दिया। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो हमारा पेज है वो डिलीट हो चुका है और यहाँ पे हमें एक ही पेज दिख रहा है, ठीक है। हमारे दोनों पेज नीचे से डिलीट हो गए हैं। पेज डिलीट होने के बाद आपको इसको क्लोज कर देना है और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही पेज है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो शॉर्टकट तरीका है पेज को डिलीट करने का मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये रिज्यूम है और यहाँ पे नीचे एक्स्ट्रा पेज ऐड हो चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे नीचे ये एक एक्स्ट्रा पेज है और उसके साथ साथ आपको एक नीचे भी यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो गाइस इस पेज को शॉर्टकट तरीके से कैसे डिलीट करेंगे, इसका शॉर्टकट ये है, आपको सिंपली प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, तो गाइस देखिए एक जो पेज है वो हमारा नीचे से डिलीट हो चुका है और यहाँ पे अब पेज बच चुके हैं तीन, एक पेज ये है और एक ये है और एक ऊपर वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अब तीन पेज बचे हैं। अब मैं आपको ये लास्ट वाला फिर से डिलीट करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ठीक है, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। तो गाइस देखिए ये वाला पेज भी डिलीट हो चुका है नीचे से। अब यहाँ पे दो पेजेस हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आप शॉर्टकट तरीके से भी एमएस वर्ड में पेज को डिलीट कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप अपने एमएस वर्ड में किसी भी ऑफिस में पेज को डिलीट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का। थैंक यू।